अफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ये आएगा, या क्वेश्चन आएगा अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लैटिट्यूड क्या होता है, रोटेशन क्या होती है, मैं समझाता हूँ। लैटिट्यूड है कि मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेन है, ये रहा, और आप कहाँ पर हो, आप पी पार्टिकल यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, ठीक। तो सेंटर ऑफ अर्थ से आपने ये क्या एंगल बनाया, लैम्डा। सेंटर ऑफ अर्थ से इस लाइन ने इक्वेटर के साथ क्या एंगल बनाया, लैम्डा। इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक एंगल होता है, तो ये एंगल क्या है, लैम्डा। अब मैं अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जब खड़ा होऊंगा तो लैम्डा चेंज होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल सोचो अगर मैं इक्वेटर पे खड़ा हो जाऊं तो इक्वेटर के ऊपर लैम्डा क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर मैं पोल्स पे खड़ा हो जाऊं तो पोल्स के ऊपर लैम्डा क्या हो जाएगा, 90। तो याद रखना, इक्वेटर के लिए लैम्डा जीरो, पोल्स के लिए लैम्डा 90। और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर लैम्डा क्या करेगा, वैल्यू को चेंज करेगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या बता दूंगा, लैटिट्यूड का एंगल बता दूंगा, आपको लोकेशन पता लग जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब कैसे फर्क पड़ेगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज अर्थ, ये अर्थ, और ये रहा अर्थ का इक्वेटर, ये रहा इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। सपोज करो आप कहीं पी पॉइंट पर खड़े हुए हैं, ये रहा पॉइंट पी, एंड इस पी पॉइंट से ये जो लैटिट्यूड है सपोज वो कितना है, लैम्डा, ठीक हो गया। अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, सबको मालूम है जो अर्थ है अपने एक्सिस पे घूमती है, तो अर्थ घूम रही है विद व्हाट, ओमेगा, रोटेट कर रही है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, आप मुझे बस ये बताएं कि जब अर्थ घूम रही है तो जो पार्टिकल ये है ये बड़े चक्कर में घूमेगा, ये बड़े चक्कर में घूम रहे हैं अर्थ के साथ, ये वाला पार्टिकल थोड़े और छोटे चक्कर में, ये वाला पी पार्टिकल इतने सर्कल में घूमेगा, ये वाला और छोटा और पोल वाला तो अपने एक्सिस पे घूमेगा। यानी कि हम अगर अर्थ के ऊपर है तो हर कोई जो चक्कर काट रहा है वो सेम रेडियस का नहीं काट रहा। इक्वेटर वाले लोग सबसे ज्यादा बड़े रेडियस में काट रहे हैं, पोल्स वाले सबसे कम में काट रहे हैं, ऐसा ही है। तो इसका रेडियस अर्थ का मान लो कैपिटल आर है, और ये जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, तो पी पार्टिकल कितने रेडियस में घूम रहा है, स्मॉल आर। क्या स्टेप क्लियर है, ठीक। अब अर्थ जब घूम रही है तो अर्थ के पास सेंट्रिपिटल है घूमने की, वो घूम रही है, बाय नेचर घूम ही रही है। अर्थ के ऊपर अगर कोई भी हम चीज रख दें उसके ऊपर क्या लगनी चाहिए, सूडो फोर्स आउटवर्ड। ऐसा हमने काफी बार किया कि अगर कोई चीज घूम रही है और आप उसके ऊपर बैठ जाएं तो आपको उठा के बाहर फेंक देगी, जैसे वो नहीं जाते एलांटे में जाते थे पहले, वो रखा होता था, एक बुल रखा होता था, उसके ऊपर बैठ जाओ, वो गोल 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 घुमाता था, आपको उठा के बाहर फेंक देता था। तो सेम है, तो ये बुल अर्थ है, हम अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं, अर्थ बहुत तेज घूम रही है, अगर ग्रेविटी ना हो ना पता भी ना लगे कि कहाँ चले जाएं, ग्रेविटी ने खींच के रखा हुआ है, अदरवाइज क्या हो, अर्थ हमें उठा के बाहर फेंक दे। क्लियर है यहां तक? तो अर्थ इस एम मास को उठा के बाहर फेंक रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब सबकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंट है, जो स्मॉल आर रेडियस जिसका छोटा है उसकी सेंट्रीफ्यूगल कम है, इक्वेटर वाले का स्मॉल आर बहुत बड़ा है, इसकी सेंट्रीफ्यूगल सबसे ज्यादा है, और पोल का तो बेचारे का स्मॉल आर है ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल है ही नहीं, यानी कि अगर अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाए और फिर भी अर्थ पे रहना चाहते हैं तो कहां भागेंगे, पोल पे जाकर बैठ जाएंगे, तो फिर आपको सेंट्रीफ्यूगल नहीं, एक्सिस पे घूमते रहना। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल है, अब अगर ग्रेविटी नहीं होगी हमें अर्थ फेंक देगी, पर क्योंकि ग्रेविटी है, और क्योंकि ग्रेविटी है तो उस केस में क्या होगा, अर्थ हमें अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। अर्थ हमें कैसे खींचती है, हमेशा याद रखना, टूवर्ड्स सेंटर। आप कहोगे सेंटर, अभी तक जितने चैप्टर किए उसमें तो नीचे नीचे बोल रहे, वेट नीचे, वेट नीचे, वेट नीचे, वेट नीचे, अरे अर्थ कहाँ दिखाई मैंने आपको, हम तो ये मानते थे सेंटर नीचे होता है, लेकिन एक्चुअल में आप अर्थ देख रहे हो तो सेंटर तो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट है, कोई यहाँ बैठा होगा तो ये वेट है, कोई यहाँ बैठा है तो ये वेट है, तो एक्चुअल में अर्थ का सेंटर हमें खींचता है। तो ये वेट क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जो भी मैन यहाँ खड़ा है
उसके ऊपर सिर्फ वेट नहीं लग रहा, उसके ऊपर साथ में क्या लग रही है, सेंट्री फ्यूगल भी लग रही है, सूडो फोर्स भी लग रही है। तो उसका एक्चुअल वेट एमजी है अगर, तो एमजी कभी दिखेगा ही नहीं उसे। उसका एक्चुअल वेट या नेट फोर्स क्या होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या करना पड़ेगा, इसका नेट वेट निकालना पड़ेगा। तो इसका जो नेट वेट है वो एम इंटू जी डैश होगा। मास तो कभी मैन का चेंज होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली वेट में क्या चीज चेंज हुई होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो नया वेट है एम जी डैश हो जाएगा। अब जो नया वेट है वो इसलिए खराब हुआ या चेंज हुआ क्योंकि एक्चुअल वेट में क्या ऐड हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि सूडो फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे केस में ये अगर लैम्डा है तो बाय ऑल्टरनेट एंगल ये भी कितना है, लैम्डा है। और अगर ये लैम्डा है तो ये कितना है, 180 माइनस लैम्डा है, राइट? तो इस डायग्राम को और थोड़ा प्रॉपर देख लेते हैं। ये देखो, तो इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से देखते हैं। ये देखो, इस डायग्राम को मैंने ऐसे ड्रॉ किया सच दैट अर्थ घूम रही है, ये पी पार्टिकल है, एम आर ओमेगा स्क्वायर क्लियर है, स्मॉल आर रेडियस है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, लैटिट्यूड लैम्डा, तो ये भी लैम्डा, तो ये 180 माइनस लैम्डा, वेट कितना है, एम जी है, तो इस मैन के ऊपर एम जी वेट भी लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लग रहा है, तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एम जी डैश। तो क्या मैं मैथमेटिकली ऐसे कर दूं, तो जो मेरा नया वेट आएगा, ये देखो नया वेट एम जी डैश इज वेक्टर सम ऑफ क्या, एम जी एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर। जो मेरा नया वेट आएगा वो वेक्टर सम होगा, किसका वेक्टर सम होगा, एम जी का और एम आर ओमेगा स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ, किन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, इन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और इनके बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस लैम्डा, तो कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? पहला स्टेप क्लियर है कि नया वेट कैसे निकलेगा। फिर से, तो नए वेट में हम किस किस का वेक्टर सम कर रहे हैं, इसका और एम जी का, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस लैम्डा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ और अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो नया वेट होगा एम जी डैश इज अंडर रूट ऑफ पहली फोर्स एम जी, दूसरी फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा। बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्लियर है यहां तक? इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, अफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड हर पॉइंट पर डिफरेंट है, लैम्डा यहां पर हर पॉइंट पर डिफरेंट है, तो जी डैश भी हर पॉइंट पर डिफरेंट आएगा। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, अफेक्ट ऑफ रोटेशन, क्योंकि अफेक्ट ऑफ रोटेशन इसलिए क्योंकि आप कहां पर खड़े हुए हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पे डिफरेंट लगेगी, तो रोटेशन का अफेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, जिससे कि आपका वेट चेंज हो रहा है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? तो कोई भी नाम आएगा तो आपने प्रूफ यही करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, मैथ्स में कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा, सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस कॉस लैम्डा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो माइनस कॉस लैम्डा, इसे स्क्वायर करें, एम स्क्वायर जी स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा फोर, इसे एज इट इज, और कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा इज माइनस कॉस लैम्डा। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो एम स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ये टर्म आ गई पूरी की पूरी। यहां तक क्लियर है? ओपन कर दिया, स्क्वायर करके ओपन कर दिया, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट स्टेप देखें, इस तीन टर्म में से एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाहर निकाल लें अंडर रूट से, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर विल गिव एम जी, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, वन। ये टर्म में से एम स्क्वायर तो बाहर आ गया, जी स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया बाय जी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं है इसमें, एम स्क्वायर जी स्क्वायर में से अगर बाहर निकालना चाहते हो, इसमें से एम स्क्वायर तो बाहर आ गया तो डिवाइड बाय जी स्क्वायर, इसमें से एम स्क्वायर तो है, एक जी है एक जी नहीं है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय सिंगल जी, कॉमन निकालना आ गया। क्या स्टेप सबको क्लियर है, कॉमन कैसे निकलेगा, निकल नहीं रहा था जबरदस्ती निकाल रहा है, तो यानी कि एम स्क्वायर जी स्क्वायर तो निकल गया वन, एम स्क्वायर का अंडर रूट एम बाहर आ गया, जी स्क्वायर था ही नहीं तो जी स्क्वायर से डिवाइड, एम स्क्वायर आ गया, एक जी है तो एक जी से डिवाइड। क्या स्टेप क्लियर है? अब एक स्टेप और देख लो इसमें, लास्ट, इसके अंदर ये ट्राइंगल देखना प्लीज, इसके अंदर ये ट्राइंगल देखना है आपने, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, लैम्डा, ये एंगल कितना है, लैम्डा, तो इसमें कॉस लैम्डा क्या होगा, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, तो यहां पर कॉस ऑफ लैम्डा
लिख लो साइड पे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर क्या होगा, आर कॉस लैम्डा, क्योंकि हर कोई अपने अपने रेडियस में घूमे जा रहा है ना, तो यहाँ पर स्मॉल आर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, क्लियर है। तो अगर कोई कोई भी मैन कहीं पर भी खड़ा है उसका लैम्डा डिफरेंट होगा, लैम्डा जब डिफरेंट होगा स्मॉल आर भी उसका डिफरेंट होगा। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके पास स्मॉल आर की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर लिया, आर कॉस लैम्डा, आर कॉस लैम्डा, ठीक। अब एक काम करना, इसे स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा आ जाएगा, ये एज इट इज आ गया। तो ये सिंप्लीफाई करके टर्म आ गई। अब आपने एक चीज ध्यान से देखनी है, जो आर होता है अर्थ का 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। अर्थ एक चक्कर कितनी देर में काटती है, स्पिन मोमेंट 24 आवर्स, तो ओमेगा क्या होगा 2π/24 × 60 × 60। जब आप इस आर और ओमेगा को यहां पुट करेंगे तो ये वाली टर्म बहुत बहुत छोटी आने वाली है, 0.0000 समथिंग। तो इतनी छोटी टर्म को हम यूज नहीं करते, निगलेक्टेड, इसको छोड़ दो। इन तीनों टर्म में से ये बहुत छोटी टर्म है, निगलेक्टेड, इसको छोड़ दो। जो पेपर में आएगा आपको ये शो करने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा लिख देना दिस टर्म इज वेरी वेरी स्मॉल सो इट कैन बी निगलेक्टेड। तो आपके पास दो टर्म बच गई, पहली और आखिरी। अंडर रूट को हाफ लिख लो, अंडर रूट का मतलब हाफ होता है पावर, और लास्ट स्टेप बाइनोमियल लगा लो, हाफ को इससे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ और टू मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये बच जाएगा, टू से हाफ कैंसिल और जी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मार्क करो, जी डैश इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये फॉर्मूला बनेगा जी डैश का। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अर्थ की हर सरफेस पे जी 9.8 होता ही नहीं है, क्योंकि अर्थ की हर सरफेस पे लैम्डा चेंज होगा, डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा पे डिफरेंट डिफरेंट जी आएगा। वो अलग बात है कि हम 9.8 यूज करते हैं अपने सिंपल कैलकुलेशन के लिए, अदरवाइज हर पॉइंट पर डिफरेंट ही होगा। क्लियर है यहां तक? तो क्या किया हमने, हमने सबसे पहले वेक्टर सम लिया, किसका, वेट का और सेंट्रीफ्यूगल का, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई ओपन करके, फिर स्मॉल आर इसमें से एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, स्मॉल आर को कैपिटल आर की फॉर्म में पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करके तीन टर्म्स आ गई, ये टर्म बहुत छोटी निगलेक्ट कर दी, दो टर्म्स आ गई, बाइनोमियल लगा दी, आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चन आता है इक्वेटर के ऊपर लैम्डा क्या होता है, जीरो। अगर इक्वेटर के ऊपर लैम्डा जीरो तो कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो जी इक्वेटर क्या आएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही पोल्स के ऊपर लैम्डा क्या होता है, 90। पोल्स के ऊपर 90 तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो, 9.8। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इंपॉर्टेंट है,